प्रोग्रामिंग और अकाउंटिंग पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज मैं ई फिलिंग का नया पोर्टल जो ओपनिंग हुआ है उसके क्लास के साथ मैं आज इस चैनल पे आया हूँ। तो आइए चलते हैं ई फिलिंग के नए पोर्टल पे। ये देखिए ई फिलिंग का ये नया पोर्टल है और साइट भी आप देख रहे हैं incometax.gov.in पे आप जा कर के इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका ओल्ड पोर्टल ये देखिए, ये है इसका ओल्ड पोर्टल पहले वाला, तो काफ़ी कुछ अंतर आ गया है इसमें। इसका मेन्यू देख रहे हैं जैसे कि आप ऊपर में बनाया गया है और इसके मेन्यू में काफ़ी कुछ अंतर है दोनों में। सबसे पहले देख नंबर, एक बहुत अच्छा सा नंबर बना दिया गया है, हम इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड, नॉन कंपनी से रिलेटेड, प्रोफेशनल से रिलेटेड, डाउनलोड यूटिलिटी, इनकम टैक्स का जो यूटिलिटी है और जो ऑफलाइन अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला आइए देखते हैं। देखिए यहां पे एक स्लाइस बार बना दिया गया है जिसमें कि आप यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है व्यू गाइड फॉर ऑफ द न्यू पोर्टल। नए पोर्टल के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। दूसरा, आप अपना प्रोफाइल अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपडेट कर सकते हैं डायरेक्ट यहां से। तीसरा, सबमिट ग्रीवनेंस, किसी प्रकार की कोई सॉल्यूशन चाहिए तो यहां से आप अपना ग्रीवनेंस सबमिशन कर सकते हैं। फिलिंग योर ITR देन एवर बिफोर, आप अपना ITR यहां से फाइल करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी इसके लिए प्रयास ही, मतलब अच्छे से इसे डिजाइन किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इंडिविजुअल QF, सैलरीड पर्सन के लिए, बिजनेस के लिए, सीनियर्स के लिए, नॉन रेजिडेंट QF के लिए, सब के लिए अलग अलग पूरा मेन्यू लिस्ट बना दिया गया है। जो सैलरीड पर्सन है वो यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि वो किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उनके लिए कौन सा रिटर्न, कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है, उनका किस टैक्स स्लैब में आते हैं, डिडक्शन के बारे में वो जानकारी ले सकते हैं, अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ फिलिंग एसेट्स फिलिंग के बारे में, डाउनलोड यूटिलिटी ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं यूटिलिटी, सब कुछ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सब में लगभग यही चीज़ दिया हुआ है। ये देखिए किसी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन डिफरेंट ये होगा कि सब में कि आपको के लिए कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है, कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं, ये क्लिक करने पे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले गाइडेंस फॉर द फाइल रिटर्न एक्सेटर, ये देखिए अगर आप मैनुअल ITR1 फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है ओवरव्यू द प्री फिलिंग एंड फाइलिंग ऑफ ITR1 सर्विस इज अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड यूजर ऑन द ई फिलिंग पोर्टल। प्री फिलिंग या फाइलिंग कर सकते हैं ITR1 सर्विसेज उन यूजर्स के लिए अवेलेबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। दिस सर्विस इनेबल इंडिविजुअल टैक्स पेयर टू फाइल ITR1 ऑनलाइन थ्रू द ई फिलिंग पोर्टल। दिस यूजर मैनुअल अरेंज फाइलिंग ऑफ ITR1 थ्रू द ऑनलाइन मोड। ओके, सबसे पहले इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं इस सर्विस के लिए, क्या सब? तो सबसे पहले रजिस्टर्ड यूजर जो हैं वो ई फिलिंग पोर्टल
विथ वैलिड यूजर आई डी एंड पासवर्ड। अगर वो पहले से रजिस्टर्ड हैं यूजर, तो वो उनके पास वैलिड एक यूजर आई डी और पासवर्ड होगी। दूसरा, स्टेटस ऑफ पेन एक्टिव, यानी कि आपका पेन कार्ड स्टेटस जो है एक्टिव हो, या डीएक्टिवेट पेन कार्ड रहेगी तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तीसरा, लिंक पेन एंड आधार, आधार कार्ड और पेन कार्ड लिंक होना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी टाइम से आप जानते हैं कि इसका एडवर्टाइज हो रहा है कि पेन को आधार से लिंक कीजिए। प्री वैली एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट एंड नॉमिनेटेड इट फॉर रिफंड, रिफंड के लिए एक वैलिड एटलीस्ट वन एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, इफ लिंक पोर्टल योर बैंक NSDL ETC फॉर ई वेरीफिकेशन के लिए। डाउनलोड द ऑफलाइन यूटिलिटी एवेल द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इफ यूजिंग ऑफलाइन मोड, अगर आप ऑफलाइन मोड यूज करते हैं तो ये ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड कर सकते हैं या थर्ड पार्टी का भी यूज कर सकते हैं। उससे आगे देखिए, फॉर्म द ग्रांट्स, तो एक नज़र फॉर्म पे डालते हैं क्या है। देखिए, टियर वन हैज 5 सेक्शन डेट यू नीड टू फिल बिफोर सबमिट इट, एंड वन समरी सेक्शन वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू योर टैक्स कंप्यूटेशन। द सेक्शन आर फॉलोइंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लाइबिलिटी। ये पांचों सेक्शन को आप अच्छी तरह से पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पूरा आपका जिस तरह से पेज खुलेगा लॉगिन के बाद वो दे करके अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन द पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द ITR, ITR सेक्शन में सबसे पहला जो आता है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने बारे में जानकारी। यू नीड टू वेरीफाई द प्रोफाइल दैट यू हैव द ऑटो फिल फॉर द योर ई फिलिंग प्रोफाइल, कह रहा है कि यू नीड, आपको आवश्यकता है वेरीफाई करने की। अगर पहले से ही फिल किया हुआ है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑटो फिल होकर के आ रही है ईफिलिंग प्रोफाइल पे, तो एक बार आप जरूर रिचेक कर लें ITR फॉर्म फाइल करने से पहले। यू विल नॉट बी एबल टू एडिट सम ऑफ योर पर्सनल डाटा डायरेक्टली इन द फॉर्म, हाउएवर यू विल नॉट बी एबल टू एडिट सम ऑफ योर पर्सनल डाटा डायरेक्टली इन द फॉर्म। फॉर्म फिलअप करते समय अगर आप चाहिएगा कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजिंग लाएं, तो वो आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे। हाउएवर तब भी यू कैन मेक द नेसेसरी चेंज बाय गोइंग ई फिलिंग प्रोफाइल, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है प्रोफाइल पे लॉग इन करने के बाद, उसके बाद ही ITR1 अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उसे लिंक पे जा करके इसे फॉर्म को क्लिक करें। यू कैन एडिट योर कॉन्टैक्ट डिटेल फिलिंग अदर, जो भी आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है वो सारा कुछ पहले से ही आप यूफिंग पोर्टल पे जा करके फिर से अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले ITR1 अगर फाइल ओपन होगी आपकी, तो इस तरह के पेज आपके सामने आएंगे, इसमें आपका नाम, आधार नंबर, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे सब कुछ। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ तक ये सब कुछ आएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेक्शन में आएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। इन द ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन यू नीड टू रिव्यू द प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल फ्रॉम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू द इंटर द रिमेन एडिशनल डिटेल इंक्लूड योर एग्जेम्प्टेड इनकम इफ एनी। अगर इस तरह का कोई भी
आपके पास है तो उस सबको रीचेक करने की आवश्यकता है आपको। सेकंड ऑप्शन में सेक्शन में आपका ये सब कुछ देखे, सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई देगी ग्रॉस सैलरी, लेस देन एग्जेम्प्ट अलाउंस कुछ है तो वो देख, नेट सैलरी आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो है आपका TDS उसके बारे में, उसके बाद टोटल यहाँ पे आ जाएगी आपका इनकम चार्जेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका यहाँ पे ये बन के आ जाएगा। तीसरा टोटल डिडक्शन, इफ इन द टोटल डिडक्शन यू नीड टू ऐड एंड वेरीफाई एनी डिडक्शन इफ यू क्लेम अंडर चैप्टर 14 ए फॉर ए ऑफ द इनकम टैक्स। बस ये आपका सेम पेज खुलेगा, उसके बाद टैक्स पेड के बारे में आपका यहाँ पे सारी जानकारी आ जाएगी, उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या है और यहाँ पे ये पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आप फाइनल सबमिट हाउ टू एक्सेस एंड सबमिट ATR 1। फोर्थ में यू कैन फाइल एंड सबमिट योर ATR थ्रू द फॉलोइंग मेथड। आप दो तरीके से ATR 1 फाइल कर सकते, पहला ऑनलाइन मोड थ्रू ई फिलिंग पोर्टल जो अभी पोर्टल ओपन है आपके सामने, दूसरा है ऑफलाइन मोड जो कि आप यहां से डाउनलोड करके, ऊपर में नेपाल सेक्शन में मेन्यू में दिया हुआ है डाउनलोड ऑप्शन, यहां से भी आप जा कर के उसे कर सकते हैं। फॉलोइंग द स्टेप फाइल एंड सबमिट ATR 1 ऑनलाइन मोड, लॉग इन द इफ फाइलिंग पोर्टल। आप लॉग इन करने के बाद देख लीजिए आपका इस तरह से ये पेज खुलेगा, ई फाइलिंग पे जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पहला जो है वो इस पर आप आ जाइएगा। तो देख लीजिए बस ऐसे ही आपके टोटल पोर्टल आपका सबसे पहले प्रोफाइल जो है वो दिखाई देगा, उसके बाद असेसमेंट ईयर आपका दिखाई देगा, उसके बाद नीड टू सेलेक्ट मोड ऑफ द फिलिंग प्रोसेस दिखाई देगा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या करना चाहते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न रिज्यूम फाइलिंग आपका दिखाई देगा, क्या प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल फॉर द प्रोसीड फर्दर इंडिविजुअल अदर या HUF जो भी हैं, नीड टू चूज द ATR फ्रॉम द प्रोसेस वो आप चूज कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए नीड टू चूज द ATR फॉर प्रोसीड, सेवन स्टेप में ATR 1 इनकम टैक्स रिटर्न पे आप आ जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद थर्ड ऑप्शन पूरे जितने भी आपने अभी तक फाइल किया है उसका रिव्यू आप यहां से इस पे जा करके क्लिक करके वन बाय वन टोटल आप देख सकते हैं। जैसे वैलिड योर प्री फाइल रिटर्न, यहाँ से आपका जितना भी आपने किया है उसे यहाँ पे प्रोसीड करिएगा, प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, नेक्स्ट पेज पे आपका यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑप्शन पे आप आ जाइएगा, उसके बाद पे नाउ ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है जितनी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे नाउ कर कर आप योर एलिजिबल फॉर द रिफंड आपका क्या है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। प्रीव्यू रिटर्न यहाँ से आप देख सकते हैं, अपने टोटल रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप फर कर रहे हैं रिटर्न वहाँ का अपना नाम जो भर दे, ये सब चीज़ भरने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आ जाएं। तरह से आपको यहाँ पे ये
का सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि आप के लिए कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। सैलरी, पेंशन, ओन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, एग्रीकल्चर, इस सब के बारे में वन बाय वन आप यहाँ से टोटल जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है। इस दूसरा आपको कार्ड सबसे जरूरी चीज अंडर 16 है अगर आप, तो आपके लिए टैक्स स्लैब रेट क्या है उसके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। पहले भी था आपका 2.5 लाख पे टैक्स रेट नील था, अभी भी है। पहले 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर में 5% एवं 2.5 लाख से ऊपर वाले को 1% था, और अभी भी वही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं। पहले 5 लाख से 10 लाख के अंदर में 12.5 हज़ार प्लस 20% एवं 5 लाख से ऊपर वाले को, जो भी आपको 5 से 10 के बीच में जो बनता है 20% उस पर लगेगा। लेकिन अभी क्या है देख लीजिए, 12.5 हज़ार तो लगेगा ही आपका 5 लाख पे, उसके ऊपर 2.5 लाख पे भी आपका 10% लगेगा। इस तरह से ए वन बाई वन आपको 16 अंडर 16 वाले के लिए दिया हुआ है, 16+ वाले के लिए फिर स्लैब रेट बना दिया गया यहाँ पे। आप आराम से एक एक करके इसका जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद 18+ के लिए भी दिया गया है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है। टैक्स स्लैब रेट के बारे में दिए हुए डिडक्शन के बारे में वन बाय वन क्लिक करके आप इस सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्ट होम पेज पे आ जाइए, यहाँ पे सबसे नीचे में आप देखिए दिया हुआ है, यहाँ से ई वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न है। अब डायरेक्ट यहाँ से लिंक आधार पैन कर सकते हैं। फाइल रिटर्न लिंक यहाँ पे भी आपका दे दिया है, लिंक स्टेटस देख सकते हैं आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। यहाँ पे पे योर पेंडिंग टैक्स ऑनलाइन, अगर आपका कोई भी टैक्स पेंडिंग है तो आप यहां से डायरेक्ट उस लिंक पे जा सकते हैं। ये तो ये सब सारे के सारे यहां पे एक अच्छा सा कार्ड बना करके यहां पे दे दिया गया है, जो कि आप डायरेक्ट यहां से लिंक पे पहुंच सकते हैं। टीडीएस ऑन कैश A to Z मतलब सारी सुविधाएं लेकर के उन्होंने इस पोर्टल पे दे दिया है। कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है इस पे। न्यूज अपडेट रिलेटेड सारे न्यूज यहाँ पे अपडेट है, ITR से रिलेटेड। उससे नीचे थिंक नाउ योर वीडियो कुछ बना करके दिए गए हैं, वर्किंग लिस्ट के बारे में, लिंक आधार कार्ड से रिलेटेड, पासवर्ड चेंजिंग से रिलेटेड, ई प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे वीडियो यहाँ पे बना करके दिए हैं। आप एक एक वीडियो देख करके भी ITR फाइल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, अब हम लॉगिन करके नेक्स्ट पेज पे। लॉगिन करने के बाद इसमें नया चीज़ क्या सब है उसके बारे में जान, जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्या सब दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिटर्न फाइल करने के लिए आप यहाँ ई फाइल पे आइएगा, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएगा, यहाँ से फाइल रिटर्न कर सकते हैं। पहले से ही आपने अगर रिटर्न फाइल कर रखी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वेरीफाई रिटर्न यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने TDS पे जा सकते हैं कि आपका क्या डिडक्शन हुआ है A to Z। ओके, तो सबसे पहले आइए देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं कर रखा है या कितना परसेंट कर रखा है उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है।
थोड़ा टैक्स डिपॉजिट इसके बारे में दिया हुआ है, अब देख रहे हैं जैसे कि उसके बाद रिसेंट फाइल रिटर्न के बारे में यहाँ से जानकारी मिल जाएगी आपको। पेंडिंग एक्शन कोई इसी प्रकार की है तो यहाँ मेरा जीरो है। रिसेंट फॉर्म फिल कोई आपने रिसेंट में फॉर्म फिल किया है तो उसके बारे में नो रिकॉर्ड फॉर्म, किसी प्रकार कोई ग्रीवेंस नो रिकॉर्ड फॉर्म, तो आप देख रहे हैं ये सारे कुछ आपको लॉगिन करने के बाद आपके पोर्टल पे दिखाई देगी। आप यहाँ से भी जा करके अपने माई प्रोफाइल को देख करके उसमें अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हैं, बैंक अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ई फिलिंग जो है नया पोर्टल इनकम टैक्स का वो किस तरह से है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नया ई पोर्टल काफ़ी कुछ चेंजिंग हुआ है, तो इसे बड़े आसानी से आप खुद का अपना आइडिया यहाँ कर कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग अकाउंटिंग पोर्टल पे आज का जो ये क्लास था मेरा न्यू आई फिलिंग से रिलेटेड था। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।